है कृषक अर्थव्यवस्था की। तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है आज भी, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश इज एग्रेरियन ऑल वी नो, एंड द प्राइमरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 36% इन द स्टेट जीडीपी। दैट्स वाई वी नीड टू फोकस ऑन द फार्मर्स प्रॉब्लम्स। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द स्पेंडिंग इन दिस सेक्टर। तो सबसे पहले कहाँ है, ऊर्जा सब्सिडी। दैट इज कि जो भी हमारा पावर कंजम्पशन होगा उसमें हम ऊर्जा सब्सिडी या एनर्जी सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे। आपको पता होगा मध्य प्रदेश पीएससी ने, जो एमपीपीएससी है, उसने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अटल ज्योति योजना, अटल ज्योति योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घंटे जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोवाइड कराई जाती है। शहर में उसमें 24 घंटे का प्रावधान है, ठीक है। उसमें कृषि के लिए भी प्रावधान है, कुछ 8 घंटे मिनिमम प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके अलावा घर के लिए कितनी, जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, रूरल हाउस होल्ड्स हैं, तो उनके लिए कितनी बिजली दी जाएगी, दैट वाज 10 आवर्स, 10 घंटे। तो ये इसी का पार्ट है कि वो सब जो है कि यहाँ पे कट करके हमको वहां देना है, पावर सप्लाई करना है, तो उसके लिए जो कॉस्ट आती है उसको सब्सिडाइज करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप याद रखिए अटल ज्योति योजना। इसके बाद सहकारी बैंकों को अंश पूंजी। ये सहकारी बैंक क्या होते हैं, तो आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव, ठीक है। ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रिपल लेयर होती है, तो सबसे पहले इसमें एपेक्स बैंक होते हैं, उसके नीचे आपके जिला सहकारी बैंक होते हैं, जिला सहकारी बैंक होते हैं, और उनके नीचे होती हैं आपकी प्राथमिक समितियां, प्राथमिक सहकारी समितियां। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ईसीएस होती है, और इसी तरह से हमारा ये पूरा ढांचा काम करता है। मध्य प्रदेश में एपेक्स बैंक आपके भोपाल में स्थित है। इसके लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए की पूंजीकरण की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है कि जो भी डिफॉल्टर किसान हैं उनके ऋणों का समाधान किया जा सके, ठीक है। हम इस 1500 करोड़, 13,000 करोड़, 3200 करोड़, इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे पर्पज ये है कि मध्य प्रदेश पीएससी ने वर्ष 2018 की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा था कि अमृत जो योजना है, अमृत जो योजना है, उसमें मध्य प्रदेश ने अपने बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। तो ऑप्शन थे कि 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, इस तरह से ये पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो हमको इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अमृत क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो शहरी विकास के लिए, शायद उसके लिए भी कुछ बजट में फंडिंग हुई होगी, वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा फसल बीमा पर भी 2000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। तो फसल बीमा क्या है, वास्तव में ये राज्य की तरफ से कोई योजना नहीं है, लेकिन केंद्र की एक केंद्र प्रायोजित योजना, वापस से सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके तहत ही उसका पार्ट है, पीएम फसल बीमा योजना, जो आपकी 2016 में शुरू की गई थी। तो इसमें लगभग 1% आपको प्रीमियम खरीफ के लिए और 2% रबी के लिए देना होता है, तो किसानों को आपदा के प्रति भी जो अपनी फसल है उसके लिए सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, पीएससी 2021 का जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें एक प्रश्न था कि वर्ष 2023 को किस क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ठीक है। तो उसमें एक शब्द आया था मोटे अनाज, मिलेट्स, तो यह भारत के कहने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया है। और इसी को देखते हुए कि मोटे अनाज को हम हमारी डाइट में शामिल करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तो मुख्यमंत्री मिशन की शुरुआत की जा रही है। तो आपको याद रखना है कि ये बिल्कुल नया मिशन है, और आगे जाके इसके बारे में जो भी प्रावधान रहेंगे उनसे हम परिचित होंगे कि सरकार इसमें क्या लेकर आती है। लेकिन ज्वार, बाजरा, मक्का आदि मोटे अनाजों को हमारी डाइट में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, ट्राइबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो भी हमारे यहाँ पे मल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको हम सुधार सकें, जो भी हमारी स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, जो बच्चों में कुपोषण है, उससे हम लड़ सकें, और उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ हमारी जो कृषि है, वहां पर जो एग्रीकल्चर है, वहां पर वीट और राइस के प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए भी हमको मोटे अनाज रिप्लेस करने की जरूरत, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, सभी बातें आपको मेंस में काम आएंगी। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, पीएम मत्स्य संपदा योजना। संपदा एक योजना है, इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है। एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग मतलब जो कृषि और समुद्री खाद्य है उसका प्रसंस्करण,
साथ में जो खाद्य प्रसंस्करण है उसके क्लस्टर्स को बनाने के लिए पीएम संपदा को शुरू किया गया है, और इसी में मत्स्य फिशरीज को भी इंक्लूड करके इस योजना को लगभग 2019 और 20 के बजट में अनाउंस किया गया था, पीएम मत्स्य संपदा योजना को। इसके लिए भी हमारे स्टेट में फंडिंग की गई 97 करोड़ की लगभग, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों का फोकस है। आपको पता हो कि पिछली साल का जो बजट था, यूनियन बजट 2022-23 में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए गंगा नदी के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर के क्षेत्र को चुना गया था। यहाँ पर आप नेचुरल फार्मिंग को स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, हमको उनको अचीव करना है, तो उसमें जो प्राकृतिक खेती है बहुत महती भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा पशुपालन के लिए लगभग 1491 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और जो हमारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण है, जो कि हमारे डिजिटाइजेशन का एक फोकस है, जो मैंने आपसे बात की थी कि एपेक्स बैंक बताया था, जिला मर्यादित सहकारी बैंक बताए थे, और उसके अलावा प्राथमिक जो कृषि साख सहकारी संस्थाएं थी उनके डिजिटाइजेशन के लिए भी 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कृषि के लिए बस बजट में हमारे इतना ही है। हाँ।